स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन अड्डा पर। मैं हेमंत भारद्वाज आपके लिए लेकर आया हूं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामान्य विज्ञान के प्रश्न। समय वेस्ट नहीं करते हुए आज वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। तो दोस्तों पाचन तंत्र के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे हमारा शरीर नहीं पचा सकता। तो देखिए चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो दोस्तों वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में पचते हैं। देखिए इसके साथ एक क्वेश्चन आपका एक और क्लियर हो जाएगा कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीन ऐसे पदार्थ हैं जो हम सबको ऊर्जा देते हैं, इनमें से केवल विटामिन ही ऐसा पदार्थ है जो हमको ऊर्जा नहीं देता। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन। जो पदार्थ हमको ऊर्जा नहीं देता उसको हमारा शरीर पचा भी नहीं सकता। विटामिन हमारे शरीर की केवल रोगों से रक्षा करते हैं, इसके अलावा उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये हमको ऊर्जा नहीं देते। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विटामिन। तो विटामिन ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में पचाया नहीं जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्जा नहीं देता है। अभी अभी आपको बताया कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं, विटामिन ही ऐसा पदार्थ है जो हमको ऊर्जा नहीं देता। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी, द ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, विटामिन हमको ऊर्जा नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संपूर्ण भोजन नली की लंबाई होती है। देखिए अगर यहाँ पे केवल भोजन नली की लंबाई पूछी जाती तो हमारा 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाता, लेकिन संपूर्ण भोजन नली पूछा हुआ है इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 32 फीट यानी 32 फीट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भोजन नली की लंबाई, अभी अभी बताया मैंने भोजन नली को ईसोफेगस भी बोलते हैं, भोजन नली की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन, देखिए दोस्तों भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। मुंह में जैसे ही लार भोजन में आके मिलती है, लार में जो टाइलीन एंजाइम होता है वो हमारे स्टार्च को पचाकर माल्टोज में चेंज कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ हो जाता है भोजन का पाचन। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित नहीं होता। तो लाइसोजाइम, टाइलिन, एमाइलेज, टाइलिन को ही एमाइलेज बोलते हैं, तो रेनिन इसका आंसर हो जाएगा। रेनिन मुंह से नहीं निकलता है, रेनिन अमाशय से निकलता है और छोटे बच्चों में दूध का पाचन करने वाला ये एंजाइम है। दूध की कैसीन प्रोटीन को पचाकर कैल्शियम पैरा कैसीनेट में ये चेंज कर देता है, तो ये अमाशय से निकलता है, मुँह से नहीं निकलता। तो लार में कौन सा एंजाइम नहीं होता, रेनिन एंजाइम लार में उपस्थित नहीं होता है। टाइलिन एंजाइम बदलता है, अभी आपको बताया स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, टाइलिन एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। यानी आपको ये याद रखना चाहिए, हमारे भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ब इसका आंसर हो जाएगा, स्टार्च को माल्टोज में टाइलिन एंजाइम हमारा बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार की पीएच कितनी होती है। तो ये आपके सीधा याद रखना पड़ेगा आपको, लार एसिडिक होती है, अम्लीय होती है लार, और लार की पीएच होती है 6.8। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, लार की पीएच जो होती है वो होगी ऑप्शन बी 6.8। अगला क्वेश्चन, जीभ का कौन सा भाग मीठे स्वाद का एहसास कराता है। जीभ में, जीभ को अगर बांटे अगर अपन भागों के आधार पे, तो चार भाग जीभ में हमको जो स्वाद का एहसास कराते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि जीभ का कौन सा भाग मीठे स्वाद का एहसास कराता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जीभ का अग्र भाग मीठे स्वाद का एहसास कराता है। अग्र भाग से हमको मीठे स्वाद का एहसास होता है जीभ के। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीभ का कौन सा भाग कड़वे स्वाद का एहसास कराता है। तो जीभ का कौन सा भाग कड़वी स्वाद का एहसास कराता है, तो पश्च भाग यानी अंतिम भाग भी इसको आप बोल सकते हैं। तो जीभ का पश्च भाग जो है वो कड़वे स्वाद का एहसास कराता है। अगला क्वेश्चन, जीभ का कौन सा भाग खट्टे स्वाद का एहसास कराता है। तो पार्श्व भाग यानी किनारों वाला जो भाग है जीभ का, वो हमारे खट्टे स्वाद का एहसास कराता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ब ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जीभ का पार्श्व भाग हमें खट्टे स्वाद का एहसास कराता है। अगला
जीभ का कौन सा भाग नमकीन और तीखे स्वाद का एहसास कराता है? तो ये अग्र के तुरंत पीछे वाला जो भाग है वो हमको नमकीन और तीखे स्वाद का एहसास कराता है। 13 क्वेश्चन आपके सामने है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। ये भी सीधा आपको याद रखना पड़ेगा, दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। ओडेंटोलॉजी दांतों के अध्ययन को कहते हैं, सीधा याद रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। दांत किस पदार्थ के बने होते हैं? ज़्यादातर बच्चों को ये पता होता है कि दांत इनेमल के बने होते हैं, और बेशक सही आंसर है इनेमल, लेकिन यह इनेमल का रासायनिक नाम हमसे पूछा है। तो दांत किस पदार्थ के बने होते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट इसका आंसर हो जाएगा। दांत कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। केनाइंस यानी रदनक जो संख्या कितनी होती है? केनाइन दांत चार प्रकार के होते हैं, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, कृंतक। तो रदनकों की संख्या जो होती है वो होती है चार, दो ऊपर वाले जबड़े में, दो नीचे वाले जबड़े में, रदनकों की संख्या हो जाएगी चार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दंत सूत्र होता है, इसको भी आप सीधा याद रखेंगे। दंत सूत्र जो होता है, ए ऑप्शन इसका राइट है, 21-23/21-23, ये दंत सूत्र होता है। दांतों का सर्वाधिक भाग बना होता है, देखिए अभी अभी बताया दांतों में सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल, तो दांतों का सर्वाधिक भाग जो बना होता है वो किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। इनेमल बना होता है, अभी अभी बताया कैल्शियम फॉस्फेट वहाँ हिंदी में लिखा होता है, यहाँ रासायनिक थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया फॉर्मूले में, Ca3PO4 होल ट्वाइस होगा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इनेमल का, इनेमल किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, यानी Ca3PO4 होल ट्वाइस इसका आंसर आपके राइट हो जाएगा। दांतों का सर्वाधिक भाग बना होता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनेमल, इनेमल इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्यों के दांत होते हैं हेट्रोडेंट, डाइफायोडेंट, थिकोडेंट, ये सभी प्रकार के दांत आपके मुंह में उपस्थित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। दांतों में पाई जाने वाली प्रोटीन है, दांतों और हड्डियों में दोनों में एक ही प्रोटीन पाई जाएगी, और उस प्रोटीन का नाम है ओसिन, ओसिन यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर। दांतों में पाई जाने वाली प्रोटीन है ओसिन। हाथी में कौन सा दांत गजदंत के रूप में बाहर निकला हुआ रहता है? तो ये आप लोग याद रखेंगे, ज़्यादातर लोग इसका आंसर ऊपरी जबड़े का केनाइन कर देते हैं, लेकिन केनाइन नहीं होगा इसका आंसर, ऊपरी जबड़े का इंसाइजर दांतों हाथियों में गजदंत के रूप में बाहर निकला रहता है। मनुष्य की मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां यहां पर पाई जाती है। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है? भोजन नली के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है? तो अभी अभी आपको बताया कि मुँह से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद भोजन जाता है ग्रसनी में, तो ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है, ग्रसनी इसका आंसर हो जाएगा, ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन भाग होता है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र यानी जहां आपका भोजन और आपके नाक से ली गई वायु कहां जाकर मिलती है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ग्रसनी, ग्रसनी में दोनों जाकर मिलते हैं, और भोजन और वायु ग्रसनी में आपके जाकर मिलते हैं, इस वजह से पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का कॉमन भाग हो जाएगा ग्रसनी।